नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है एसएससी के तरफ से। एसएससी ने 24,369 पदों पर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 24,369 पदों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी की ही तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है और इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं 27 अक्टूबर से। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th पास है, ठीक है। यदि आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इसमें क्वालिफाई हैं आवेदन करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अग्निवीर की तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, इसके अलावा आप अदर स्टेट कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, और कुछ कैंडिडेट एसएससी जीडी के लिए ही यहां पर प्रेपरेशन कर रहे थे। यहां पर देखिए दोस्तों, फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस सीएपीएफ में वैकेंसी रहेगी, एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स में आपकी वैकेंसी रहेगी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। यहाँ पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में यहाँ पर वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो 24,369 है, 24,369 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल दी गई है वैकेंसी से रिलेटेड, ये पे स्केल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं और वीडियो में आगे इसके इससे संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ही प्रेस करना ना भूले, ताकि यहां पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहां पर आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 27 अक्टूबर 2022, 27 तारीख से इसमें आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं अक्टूबर से, और यहाँ पर आप 30 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के लिए लगभग यहाँ पर 33 दिन का समय दिया गया है, इस अवधि में आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करते हैं तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, लास्ट डेट से कुछ दिन पहले ही इसका आवेदन कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट आवेदन करते हैं तो उस समय अंतिम जो तिथि रहती है, उस समय इसकी जो वेबसाइट रहती है वो थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को मिलती है। इसलिए लास्ट डेट का इंतजार ना करें, बल्कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं, आपने तैयारी कर रहे हैं और तैयारी आप करने वाले हैं, तो इसका जो फॉर्म है वो आपको लास्ट डेट से पहले ही फिल कर देना चाहिए। इसके अलावा यहां पर देखिए दोस्तों, जो अदर इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी रहेंगी, यहां पर जो एग्जाम नेशन डेट रहेगी, ठीक है, ये जनवरी 2023 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 24,369 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पर कौन कौन से विभाग है, तो BSF है, CISF है, CRPF है, SSB है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, ठीक है, असम राइफल्स है और SSF। इस प्रकार से सभी विभागों में मिलाकर यहाँ पर 24,369, ठीक है, यहाँ पर आपकी पोस्ट रहने वाली है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं, SC की कितनी है, ST कितनी है, OBC कितनी है, अनरिजर्व की कितनी है, ठीक है, ये आप कैटेगरी वाइज पोस्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं, इसमें सैलरी कितनी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो पोस्ट यहाँ पर मेनली दो लेवल की पोस्ट रहेगी, पे स्केल मतलब पे लेवल 1 और पे लेवल 3, ठीक है। जो पे लेवल 1 है इसमें 18,000 आपकी बेसिक पे होगा, मतलब यदि इसके सभी जो आपको अलाउंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि आपका होम रेंट अलाउंस होता है, DA होता है, तो इसे ऐड करने के बाद लगभग 30,000 आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर बन जाती है, और लेवल 3 में आपकी जो सैलरी बनेगी लगभग 33,000 आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो ये आपकी शुरुआती सैलरी होगी सिलेक्शन होने के बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दोस्तों एज की बात कर लेते हैं। जो आपकी एज रहेगी यहां पर, एज देखिए, एज लिमिट क्राइटेरिया, यदि आप 18 से 23 के बीच में, 18 से 23 यदि आपकी एज है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, सभी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट। इसके अलावा आप SC ST और OBC के अभ्यर्थी हैं, तो SC और ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 18 से यदि आप यहां पर 28 वर्ष की एज में तो आवेदन कर सकते हैं, और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 18 से यदि आप जो है 26 वर्ष की एज में तो आप आवेदन यहां पर कर पाएंगे। जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो एक
2023 से 1 जनवरी 2023 से एज कैलकुलेट की जाएगी। आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2020 के बाद का नहीं होना, जो है पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन ऐड करने के बाद में आप इसमें जो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है वो एज रिलैक्सेशन आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये सामान्य वर्ग के लिए नॉर्मल कंडीशन में आपकी जो है एज होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन लेते हैं तो आपका जो जन्म है 2 जनवरी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जो पीईटी होता है उसकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रखी जाती है एसएससी जीडी के अंतर्गत। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो फिजिकल एफिशिएंसी आपका टेस्ट होगा, और यहाँ पर इसके अलावा जो आपकी शारीरिक दक्षता, ठीक है, जैसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका फिजिकल होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पर आपका मेल के लिए 5 किलोमीटर होता है, 24 मिनट में ये 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होती है, और फीमेल के लिए एक मतलब 1600 मीटर का आपका होता है 1.6 किलोमीटर का, और 8.5 मिनट में ये आपको रनिंग करनी होती है। ये जो है आपका सभी के लिए होगा। इसके अलावा जो लद्दाख के रीजन के हैं, ठीक है, जो लद्दाख रीजन के लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर मेल्स के लिए होता है और 800 मीटर फीमेल्स के लिए यहाँ पर होती है, 800 मीटर की 4 मिनट में, और मेल के लिए जो है 101 किलोमीटर और 600 मीटर, ठीक है, ये आपको 6.5 मिनट में रनिंग करनी होती है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे और हाइट की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में यहाँ पर जो हाइट रहती है मेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व एससी और ओबीसी के लिए, ठीक है, अनरिजर्व एससी और ओबीसी के लिए, तो अनरिजर्व एससी ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट रहती है और फीमेल के लिए 157 हाइट रहती है, 157 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आपकी इतनी हाइट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो एसटी के हैं, एसटी हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स से जो रिलेटेड हैं, ठीक है, जो एसटी कैंडिडेट हैं इनके लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहती है 162 सेंटीमीटर रहती है और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहती है 150 सेंटीमीटर रहती है। यदि आप दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कैंडिडेट हैं आप, तो यहाँ पर 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट क्राइटेरिया रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो चेस्ट रहता है, तो चेस्ट का यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहता है, तो चेस्ट देखिए अनरिजर्व कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ओबीसी के लिए यहाँ पर 80 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंडेड, ठीक है, मतलब नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर यहाँ पर एक्सपेंड होना चाहिए, मतलब 85 आपका एक्सपेंड करने के बाद में आपका चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एसटी की बात करते हैं यदि, तो एसटी के लिए जो चेस्ट रहता है 76 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है, नॉर्मल, और एक्सपेंड करने के बाद में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना, मतलब 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए एक्सपेंड करने के बाद में। ठीक है, तो ये रहता है यहाँ पर आपका हो जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद में यहाँ पर ये आपके पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाता है। सिलेबस की ओर चलते हैं, तो यदि हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसका बिल्कुल सिलेबस जो रहता है वो, एक मिनट, ये सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है यहाँ पर, इस प्रकार से आपका 40 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहते हैं और यहाँ पर भी आपके 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। एलिमेंट्री मैथ से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपके 40 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश या फिर हिंदी में से आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लैंग्वेज से और ये 40 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं और इसके 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है, टोटल 1 घंटे का आपको समय रहता है। यदि आप यहाँ एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन गलत करने पर एक जो है आपका 0.5 मतलब आधा अंक यहाँ पर काट लिया जाता है। इस प्रकार से यदि आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो यहाँ पर आपका 1 अंक काट दिया, 1/4 माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, ये आपका 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन गलत करने पर 0.5 और 2 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा। ठीक है, तो ये रहते हैं आपके इसका सिलेबस। ठीक है, यदि इसका डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको डिटेल्ड सिलेबस इसका मिल जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब
करना है और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना है ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।